बीच में आपको एक जगह नजर आ रही होगी, वो है कनेक्ट पूरी कुएं के साथ में, जो कुआं मैंने आपको दिखाया था उसके साथ। यहाँ पर एक छोटा सा रूम देखने को मिलेगा और उस रूम से होते हुए हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। एक महल की शेप के अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बावड़ी को ऐसे डिज़ाइन के साथ। समय में काफ़ी अमीर गांव था और ऐसा बताया जाता है कि इस गांव के अंडर 52 गांव आते थे। दोस्तों, जब भी राजस्थान का जिक्र आता है तो हमें पता चलता है कि राजस्थान के अंदर पानी की किल्लत हमेशा से रही है। इसी चीज़ को देखकर राजस्थान के जितने भी गांव होते थे, शहर होते थे, उनके अंदर एक या दो बावड़ी हमें देखने को मिल जाती थी। तो अभी मैं आज आपको राजस्थान के अंदर ही लेकर आया हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है झुंझुनू और तहसील पड़ती है खेतड़ी, और खेतड़ी के पास में गांव पड़ता है जसरापुर। और यहाँ पर ये जो जसरापुर गाँव है, काफ़ी पहले के समय में काफ़ी अमीर गाँव था और ऐसा बताया जाता है कि इस गाँव के अंडर 52 गाँव आते थे। और यहाँ पर सबसे बड़ा व्यापार का जो काम था वो सबसे बड़ा यहीं पर था। और यहाँ पर बनाई गई थी एक काफ़ी खूबसूरत एक बावड़ी, जो आप इस तरफ नज़र घुमाते हैं तो देखिए, ये है वो बावड़ी, जसरापुर की बावड़ी। और यहाँ पर ये बावड़ी बनवाई गई थी यहाँ की, यहाँ के सेठों के द्वारा। काफ़ी धनी यहाँ पर सेठ थे, उनके द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई थी और पानी की समस्या को देखकर ही ये बावड़ी बनवाई गई थी। और यहाँ पर इस बावड़ी का यूज़ हर तरह से लिया जाता है। यहाँ के आसपास के खेतों के अंदर सिंचाई के लिए मान सकते हैं, यहाँ पर स्नान करने के लिए या फिर कपड़े धोने के लिए। तो अच्छे से मैं इस बावड़ी को आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगा कि अच्छे से नीचे चलेंगे और एक एक फ्लोर देखेंगे कि कितने फ्लोर की ये बावड़ी यहाँ पर बनाई गई है। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि हमें इस बावड़ी की क्या खास बात हमें जानने के लिए मिलती है। दोस्तों, जब भी मैं यहाँ पर बावड़ी के अंदर आता हूँ तो सबसे पहले हमें एक चीज़ कॉमन देखने के लिए मिलती है कि ये जो पट्टी हमें हमेशा हर बावड़ी के अंदर मिलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उस तरफ भी एक पट्टी बनी हुई है और उसके नीचे ऐसे मेहराब बनाए हुए हैं कितनी खूबसूरती के साथ में। और ये पट्टी अपने आप में काफ़ी मजबूत बनाई जाती है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर संभल कर चलना चाहिए क्योंकि ये टूटने की कगार पर होती है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ये बावड़ी हो जाती है यहाँ पर। तो आइए मेरे साथ में आगे और ये एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ है एक महल की शेप के अंदर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। और ये सामने आप एक गुम्बद देख सकते हैं, गुम्बद को थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं कि यहाँ पर तीन ये बीच में लोहे के कुछ गाटर वगैरह लगे हुए हैं बीच में, और यहाँ पर एक महल की शेप इसको दी हुई है। और ये पूरा गुम्बद बना हुआ है और इसके साइड में भी गुम्बद है। और थोड़ा सा पास में आइए मेरे, और सबसे पहले मैं यहाँ पर पास में आने के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि ये तीन झरोके इसके अंदर बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक दो तीन झरोके डिज़ाइन के साथ में बनाए गए हैं। और थोड़ा सा पास में और चलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बावड़ी को ऐसे डिज़ाइन के साथ में, रंग के साथ में बनाया गया। यहाँ पर अभी भी वो पेंट यहाँ पर बना हुआ है और हम अच्छे से चित्रकारी देख सकते हैं, और हमें अच्छे से सावधानी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर बरत कर आना चाहिए। और अंदर आने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पूरी दीवार को यहाँ पर लिख कर पूरा गंदा कर दिया है लोगों ने। मैं हमेशा हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ऐसे पुरानी जगह पर आए तो ऐसे लिख कर नाम, गंदे नाम लिख कर ऐसे ख़राब ना करें, क्योंकि ये पुरानी धरोहर हमें अपने इतिहास से जोड़कर रखती है। और ये है पूरा एक महल के शेप में, एक दरबार के शेप के अंदर ये पूरा एक हिस्सा है इस बावड़ी का। थोड़ा सा इस तरफ मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ा पास में आके कि किस तरीके से ये पेंट यहाँ पर बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर ग्रीन पेंट आपको ये नज़र आएगा यहाँ पर, और इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाए गए हैं हल्के हल्के सारे इसके। और आज भी यहाँ पर दोस्तों ये ऐसे डिज़ाइन हमें आसानी से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे कलर होते थे जो सालों साल तक टिके रहे। और इस बावड़ी को बने हुए लगभग दोस्तों 500 वर्ष हो चुके हैं,
और तब से आज तक ये बावड़ी के कलर ऐसे के ऐसे हैं। और इनको देखिए, ये पूरा महल की शेप के अंदर ये बनाया गया था, ये पूरा हिस्सा ये देखिए। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा जो कक्ष है वो यहाँ पर सैनिक खड़े होते थे, और यहाँ पर सैनिक खड़े होने के बाद जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो सब निगरानी रखा किया करते थे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ और लेकर चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं नज़र डालता हूँ तो यहाँ हमें एक सामने एक कुआं नज़र आता है। सामने जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये कुआं है, जो गुम्बद दिख रही है आपको दो शेप के अंदर, ये एक कुएं के ऊपर बनाई गई है, और एक कुआं पूरा नीचे तक जाता है, जो अभी मैं आपको नीचे लेकर चलूँगा। अभी मैं दूसरी ये पट्टी पर जा रहा हूँ, आगे चलकर हमें यहाँ पर एक छोटा सा रूम देखने को मिलेगा, और उस रूम से होते हुए हमें आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और ये बावड़ी दोस्तों काफ़ी बड़ी बावड़ी है और काफ़ी खूबसूरत भी है। आइए दोस्तों मेरे साथ में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गैलरी बनाई गई थी पूरी, और यहाँ पर ये सैनिक का खड़ा होने का एक कक्ष मान सकते हैं हम यहाँ पर, ये पूरा ये हिस्सा। और सामने की तरफ भी सेम यही डिज़ाइन के साथ में इसी तरह से बनाया गया है। और आगे आइए मेरे साथ में। आगे आने के बाद हमें वही चीज़ नज़र आती है, और कितने सारे डिज़ाइन के साथ में इस बावड़ी को बनाया गया था। और आज वर्तमान समय में आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि हमें यहाँ कुछ पेड़ पौधे, इसके अंदर जड़े हमें नज़र आ रही है, और कितने अच्छे मेहराब के साथ में, कितने अच्छे सुंदरता के साथ में इस बावड़ी को उस समय इतनी मेहनत के साथ में बनाया गया था। अभी हम चलेंगे इस बावड़ी के नीचे की तरफ। अब मैं आ चुका हूँ इस बावड़ी के बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर। यहाँ से मुझे नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 चार फ्लोर है इस बावड़ी के, और लगभग एक फ्लोर है 20 फुट का। और यहाँ पर इस बावड़ी में नीचे आने के बाद मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये कक्ष था पूरा, ये पूरा एक काफ़ी बड़ा गेट बनाया गया है, और इस तरफ भी ये इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया था। और अब मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि इस बावड़ी के अंदर हमें क्या खास बात, क्या खास चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो आइए मेरे साथ में धीरे धीरे। और नीचे आने के बाद मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की नमी है। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों इस बावड़ी के अंदर लगभग 100 से 150 साल पहले पानी था, और ऐसे कहा जाता है कि जो यहाँ के सेठ थे उनकी जो मिसेज थी यहाँ पर कपड़े धोने के लिए इसका इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि इस बावड़ी का जो ये शेप है, जो ये इतना बड़ा एक टैंक बनाया हुआ है, इसके अंदर आने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। और दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ यहाँ पर हमें नज़र आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ ये सीढ़ियाँ है यहाँ पर, और आराम से हम इस पानी का यूज़ ले सकते हैं, और इस तरफ भी है। और बीच में आपको एक जगह नज़र आ रही होगी, वो है कनेक्ट पूरी कुएं के साथ में, जो कुआं मैंने आपको दिखाया था उसके साथ में वो जगह कनेक्ट है। तो अभी दोस्तों आपको मैंने ये पूरी बावड़ी दिखाई है अच्छे तरीके से, और इसका एक पूरा एक मैं व्यू दिखा देता हूँ अच्छे से कि किस शेप के अंदर ये पूरी बावड़ी बनाई गई। और दोस्तों इस बावड़ी की मैं एक ख़ास बात बता देता हूँ कि इस बावड़ी में लगभग 100 से 150 शायद ये सीढ़ियाँ है। आप ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई, क्योंकि लंबी बावड़ी है काफ़ी ये, और काफ़ी नीचे तक आने के बाद ये यहाँ पर हमें
नज़र आती है नीचे का हिस्सा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं मेरी ऐसी ही ऐतिहासिक जगह की आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए आपका प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।